गई हैं इसकी। हार वो कहाँ भगवान, इसके बौसन ले आओ, रिश्तेदारी में दफेरी में खापी का लोट टकरा चक्की चक्की जला कर है। चक्की चला कर वोल्टास सारे घर में तो एसी लग रहे, बताओ इनमें लोट कोई रह नहीं, बिजली आती नहीं। दोस्तों हमारे वहाँ भगती है 2 बजे से 5 बजे तक, इनके यहाँ भगती है 3 बजे से 6 बजे तक। तो इसका मतलब भगती सब जगह है। और देखो जी, और देखो जी जोड़ी भी कितनी बढ़िया बैटरी, मम्मी 5 बहनों में सबसे बड़ी और मौसी सबसे छोटी, बीच की 3 मिस हैं, तो क्योंकि एक मौसी तो है। हमारी रही नहीं, सेकंड वाली कमला मौसी तो अभी रही नहीं, अब ये 4 ही हैं। तो दोस्तों देखो ज़्यादा लड़की थी तो ये भी रहा कि ज़्यादा घर बसे, ज़्यादा रिश्तेदारी हुई। लिया थोड़ा सा ना कुछ ले आओ, कुछ नून गूड़ा खा लो, क्या बोल रहे हैं उसे, ये तो चलाने से ही पता चल जाएगा। अच्छा इससे ही हुआ है ना मोटा पतला। हाँ ये हाँ, यो घड़ी सी बोल रही जैसे घड़ी की चाबी भरक रहे हैं। यो है इनकी का कलर बढ़िया है, हमारा कुबोटा वाला कलर है ऑरेंज। रोज नई उन नई में अहमदाबाद का है, हीर एंटरप्राइजेस कंचन फ्लोर मिल, मैन्युफैक्चर्ड बाय हीर एंटरप्राइजेस एंटरप्राइज अहमदाबाद। एक गुजरात का माल भी दुनिया में छा रहा है ठीक ठोंग। और दोस्तों देखो जीमी भी हमारे साथ साथ घूम रही है। कुछ बाल्टी वाल्टी कुछ दोस्तों इसके कान दोनों ही डाउन चले गए, अब जो दोनों ही कान इसके नीचे की तरफ हो गए। ये देखो जी, और ये जो है ये ओहो एकदम ही चल पड़ी है। तो एकदम इनने तो बहुत तगड़ा रिजल्ट दिया। मम्मी यो स्विच कहाँ है का? अच्छा जाम जो हो जा, अच्छा अचानक बिजली भग जाए जाम हो जा, तो उस दोस्तों ये है बंद करने का, देखो ये रहा, ये देखो ये बंद हो गया, अब ये अब चल गया, अब चल गया, देखो ये देखो ये बंद हो गया, ये चल पड़ा। बहुत घुमाया, नंबर तो देख लेती हंस है। अच्छा अच्छा जहाँ भी करना सही सही, अच्छा वे चला रखी बड़े वाली, खाली होगी खाली होगी खाली होगी, बाट घिस गए, बंद कर दूं। ओ चला अभी शुरुआत में रधावा बना लिया भैंस का, बहुत बढ़िया। अरे देखो एक ही सेकंड में बहुत ज्यादा है। हाँ। एक कभी भी सफाई करे हला वजला होता यो तार का अलग रख लिया। अच्छा। इसका ये बहुत कच्चा हो। अच्छा हमारे का बस एक प्लास्टिक 4 साल हो गए कुछ नहीं, पर एक दिन मेरे पे ही गिर के टूट गया, सरकार। दोस्तों यो जो प्लास्टिक का है बस यही ध्यान रखना है आपको। हाँ। कि अगर इसमें कुछ भरा हुआ है तो इसमें झटका ना लगने दे। हाँ। यो है, और देखो बंद करने के लिए ये है आवेगा, यो भी चक्कर यो है ना मौसी, जब हम सिवाल बताओगे कि हमारे टूट गया पहलवानों के हाथों से तो जब भी तो गिरेगा दूसरा। भाई यो स्टील का दिया, यो डेक चून का है, वो मजबूत है, नहीं पहियों से तो पहियों को चौकस रख लियो क्योंकि यो ऐसे ही ठीक है, नहीं तो वो गिरेगी क्योंकि एकदम भग जाएगी किधर को भी। इससे कहीं अछवाई सेफ जगह रखिए, एक तो बारिश में ना भीग गए, बारिश में बिल्कुल ना। हाँ। कभी इस कुर्सी कुर्सी के चक्कर में। हाँ। गिर जा, यो उन्हों आगे को चलती चलती गिर जा। हाँ। गिरने नहीं चाहिए, कभी कुछ पिस्से इसके दौरे रही है। हाँ। चून नड़ जाए इसमें, इस पिस्ती भी चून नड़ जा ना। हाँ। जब भी ऐसी आवाज करो जा जाना यो पीस रही हो, अगर आगे चून जाना बंद हो गया ना तो ये अंदर का काम रोक दे,
वही है सेम बड़ी चक्की वाला ही है, बस इसका इसका और बताओ इसका क्या करना। नहीं ये तो नू है जो बाजी बार चल कर नहीं देती, जाम लग जा, जाम लग जा, बिजली कम बड्डू सी हो जा। हाँ हाल तो मुझे तब जा जरूरत ही नहीं पड़ती, अच्छा मैं तो वैसे ही कर लू अपने को। ठीक है तो इसे दबा, नू दबा दे एक दो बार, घू घू सी करने लगा ना, एक दो बार दबा के इसका जाम से खुल जा। हाँ आगे पीछे होगा तो ठीक, बिजली की मारो बाजी भर घूम घूम सी कर, बहुत बढ़िया। हाल तो अपने का वैसे ही ध्यान रखिए, मेरी को तो 4 साल होगी और बाजी भर। हाँ हरे पे चल रही है और यहाँ लाल पे। बाजी भर एक बात और हो, इसमें कुछ जाम सा लग जा बाजी भर, हाँ। चलन कुमी बारीक शी 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 करन लगे, हाँ। तो ये चारों बोल्ट खोल ले, हाँ। पहले ये उतार लो बंद करके, हाँ। यहाँ से बंद करके और ये उतार लो, और नो खोल ले ये, हाथ से हाँ। खुल जाए, हाँ, अभी अभी तो हाँ। अभी तो खोल कर रखे हमने, और बस इन्हें खोल ले, इसकी जो बुरिश नहीं आया इसका वो बुरिश भी आया, हाँ उससे सारी को खूब साफ कर ली दोनों उससे। ठीक फिर अपने लो जी दोस्तों, मम्मी ने सारी बात समझा दी। देखो यो भी बता दिया इसका पतला बारीक करने का, जो है ना इसमें देख लियो आप, उधर को मोटा करेगा इधर को पतला। दोस्तों मम्मी नंबर नहीं पड़ती, मम्मी तो वही हमारी तरह चलाती हैं कि हमें तो भाई इतने इंजीनियरों ने क्या बताया, हम तो अपनी मर्जी से चलाओगे, कितने चक्रों पर चलाना हमें ट्रैक्टर। ये चूड़ी नहीं है मोटा बारीक दलिया, जैसे मैं तो अब जा बहुत दिन से बेसन, तो मौसी खुशी खुशी हो रही है, हाँ। चक्की आई घर में भाई किसान के घर में यो बहुत बड़ी समस्या थी, और अब जो है भाई बड़ी से तो डरने की नू जरूरत है, क्योंकि एकदम बिल का बहुत तकड़ा हिसाब बने हैं, लेकिन यो 1.5 हॉर्स पावर की है, इसका तो बहुत ही बढ़िया है, जो समर सेबल से भी कम रोड है। तो दोस्तों ये इसीलिए बढ़िया है कि अगर मीटर भी लग रहा है आपके घर में, चाहे कितना ही डिजिटल है चाहे कैसा भी, यो बिल्कुल मीटर पर प्रभाव नहीं डालती, बहुत बढ़िया चीज है। और छोटे घर के लिए जैसे एक भैंस है, इनके लिए 4 आदमी है, अभी 5 तो हुए नहीं, तो बहुत ही बढ़िया है जी, बड़ी बहुत बढ़िया। एक ऐसी वहां ठुकरा, ये देखो एक यो ठुकरा भीतर लग रहा है उस कमरे में, भैंस वाले में ना उसमें बराबर में इधर है एक बैठक रूम है, एक यहाँ है और इधर यहाँ विंडो लग रहा, एक गाड़ी में एसी। ओहो एलर्जी कैसे नहीं होगी जब सारे में एसी एसी हो रहा, और अब करेंगे चक्की पर धूल का काम, अभी ना पता लग जाएगा कैसे। तो दोस्तों इधर ही हो, इसका सागर का मकान अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इधर पंकज का है, ताऊ चाचा हो गए इनके सारे ऐसी हैं जी, लैन पता रही बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब आराम कर लेते हैं, तो रखी रहन दो मैं तो लौट जाऊं, आराम कर लूं। लेपर्ड ब्लैक पैंथर। दोस्तों आज इसको पूरा लोट के वीडियो बना दूं दिखाते हुए, ये मेरी गाड़ी उबाओ, ये देखो ठीक ठोक, ये देखो। दोस्तों बहुत जिम्मेदारी का काम है, किसी का वाहन आप लेके जाओ ठीक है, आपको खुशी हो रही है आप लेके जाओ, लेकिन आप ये देखो बिल्कुल नया वाहन है, कितनी जिम्मेदारी का काम है, रोडों पर भीड़ भाई, इससे तो बढ़िया आप बैठ के जाओ लेके ना जाओ। मैंने एक बहुत बड़ी बात आपको मजाकों में समझा दी कि बिल्कुल सोबाजी के चक्कर में ना पड़े, अपना हल्के में ही अपना जो है काम कर लें, और दोस्तों किसी का भी नया वाहन हो एकदम लेकर भागने की ना सोचें, अपना कर लें काम को, क्योंकि दोस्तों जिम्मेदारी होती है वाहन के साथ में, और जितना वाहन बड़ा हो गया देखो ट्रक का ट्रक है, तो मारी बढ़िया मारी चिंग चोंग, आह पूरे ही मजा ले रही बाहर खड़ी, और रोड पर धे दाएं गाड़ी। बस तो लौट लेते हैं बैठक में, तो दोस्तों अब जो है इसे अंदर रखवा का बारिश आने वाली है, अब चल रहे हैं जी मौसा जी से आशीर्वाद ले लेते हैं। अच्छा जी मौसा जी नमस्ते जी। तो दोस्तों देखते हैं सब बैठे हैं जी तैयार चलने के लिए। अच्छा जी राम राम जी, अच्छा जी मौसी नमस्ते, ठीक है मम्मी गाड़ी घुमा लूँ, बाय। क्या नाम, मैं तो नाम भी भूल जाऊँ, डेजी, मैं बोलता हूँ प्रिंसी। और देखो दोस्तों इसके कान दोनों एक जैसी होगी, अब बढ़िया लग रही हो बेड़िया सा।
तो सब जो है मौसम दोबारा से खराब हो रहा है, अब चल रहे हैं फटाफट घर। और दोस्तों ये देख सकते हैं कमांडो जो है कमांडो ट्रेनिंग लेते हुए बहुत बढ़िया सफाई कर दे भाई, यहाँ आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है। और सागर बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखो जी गाड़ी जो है ऐसे आके गाड़ी यहाँ चौंतरे पर खड़ी होकर रहेगी, वहां मुड्डे भी छकरेंगे। और देखो जी कोठी कितनी शानदार तैयार कर दिया भाई ने, बहुत बढ़िया। और सागर सब बढ़िया चल रहे जी? चल रहे भैया सब ठीक, बहुत बढ़िया। दोस्तों पहुंच लिए जी घर, और बच्चे जो है हमारे यहाँ पूरे खुश घूम रहे हैं। दोस्तों ये ऐसे बच्चे नहीं है कि हमारे ऊपर लद गया कहीं रिश्तेदारी में चलेंगे, इनकी तो हमें लाख इनसे मनाना पड़ता है कि वहाँ चलना है, मामा के चलना है, कहीं चलना है, तब कहीं जाकर। क्योंकि दोस्तों इनका घर जो है, ये बताते हैं कि हमारा घर जो है हमारे जू जैसा है, जैसे पिकनिक स्पॉट होता है, बहुत सारी बातें बताते हैं बच्चे हमें। तो दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है बच्चों की बात सुन के। अब उतरते हैं दोस्तों और थोड़ा बहुत काम धाम कर लेते हैं। अंश ने लाइट जला दी है। तो दोस्तों सफर बहुत अच्छा रहा, आते जाते जो है बारिश होती रही, बच्चे इधर डांस कर रहे हैं दोनों टिंग टोंग हमें देखकर। पापा जी नमस्ते। अब दोस्तों मैं चाय पानी पी के इधर आ गया हूँ। एक तो यहाँ देखे जी इनके नीचे इनका गोबर हटाऊंगा, और थोड़ा यहाँ काम धाम देखूँगा जी। बबलू भाई ने चारा तो काट दिया था, दूध भी निकलवा दिया था। तो दोस्तों मम्मी पापा खाना खा रहे हैं, आप भी खाना खा लें। और दोस्तों यहाँ जो है दूध निकला होगा, ये बछड़े को भूल गए, तो दोस्तों बछड़े खोल के उसकी जगह बांध देंगे, तसले में उसका न्यार रखा है जी। बाकी कूलर पंखे चल रहे हैं दोस्तों, देखो इन्होंने ये भी चला रखे हैं, और मैंने बता रखा है अगर ये चले ऊपर के तो ये बंद कर देगा उन्होंने नीचे के। तो दोस्तों यही है कि इन्हें जो है इन्होंने गिल्ले हाथ लगा रखे हैं इस पर, इसका मतलब ये काम कर रहे होंगे यहाँ। तो दोस्तों ऊपर वाले बंद कर दिए हैं, अब ये चलेंगे नीचे वाले। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मौसम इतना ठंडा है, दोस्तों बारिश काफ़ी हो रही है और मौसम ठंडा है, तो इन दोनों का चलना, दो ही का ही चलना ठीक है, उन्हें बंद कर देंगे। तो दोस्तों अभी ये जो है बुग्गी, ये बारिश में भीग गए थे दोस्तों, पल्ली सुखाएंगे वहाँ, दिखाता हूँ आपको जो भी काम करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो कपड़े बदल लेने चाहिए थे मुझे, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा काम है इसे करके चलते हैं। टिंग टोंग। बांध दिए हैं जी, और जो दूध ज़्यादा पी लिया था 10 लग रहे थे उसकी भी दवाई दे दी थी, कल सुबह शाम दे दी थी, तो आराम हो गया। और ये देखें जी हाँ ये सीढ़ी, दोस्तों बारिश आ गई है बहुत तेज़ एकदम से, देखें बहुत ही तेज़ बारिश आ गई है जी। वैसे तो दोस्तों गर्मी जैसे पड़ रही है तो उस हिसाब से सारे पशु यहाँ बांधने चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से बाहर बांधने से यार बूंद लगने से गायें बीमार हुई यार, 2-3 दिन तक दवाई लगवानी पड़ रही, तो दोस्तों फिर लग रहा है डर। तो इसलिए यही है जी, बारिश की बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत अच्छी बारिश आ रही है, ये पशु यहाँ मज़ा ले रहे हैं जी, पंखा चल ही रहा है। तो दोस्तों बस वीडियो को अब समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया जी। तो बस दोस्तों यही है कि अब जैसे पूरी रात बारिश होती रहेगी, लग रहा है जैसे पूरी रात होगी। तो दोस्तों ये चारा हटाऊंगा मैं यहाँ से, इन्होंने ये ऐसे करके डाल रखा है। और दोस्तों यहाँ से रात में अगर तेज़, इन दिनों में आंधी तूफान की बारिश ज़्यादा आती है, तो दोस्तों इस चारे को हटा के वहाँ कर दूंगा, कोने की तरफ कर दूंगा, तो ऐसा अगर ऊपर से यहाँ से बूंद गिरेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इतना काम करके चल पड़ते हैं जी यहाँ, बाकी साफ है जी बढ़िया। धन्यवाद, जुड़े रहिए टिंग टोंग चुली बुली।